हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे सामने आप ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट देख रहे हो, विंडरिंग जीव बोलते हैं इस प्लांट को। इसकी कैसे केयर करनी है, कौन सी खाद डालनी है और किस तरीके से आपको इसको कटिंग से तैयार करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें बेल आइकन के साथ। विंडरिंग जीव जो प्लांट होता है, ये एक परमानेंट प्लांट होता है जो कि बहुत ही कम केयर में और काफ़ी ज़्यादा हरा भरा रहता है। हमारे गार्डन को डेकोरेट करने के लिए ये प्लांट सबसे ज़्यादा काम आता है। सबसे पहले इसकी मिट्टी की बात करते हैं, तो देखिए आप इसके लिए कैसी भी मिट्टी तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इजी से ग्रो कर जाता है। इसके अलावा आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हो, क्योंकि इसकी ब्रांचेस जो होती हैं पानी में भी इजी से इसकी जड़ें निकल आती हैं। तो आप इस प्लांट को एक महीने दो महीने अगर स्टोर करके रखना चाहते हो तो पानी में भी अच्छे से रख सकते हो, ताकि आपका प्लांट ख़राब जल्दी से ना हो, या फिर आप कहीं से कटिंग लेकर आए हो और आपको लगाने का टाइम नहीं है तो आप इजी से उसको 15 से 20 दिन, एक महीना दो महीना पानी में रख देना है। और लेकिन पानी आपको बदलते रहना है, क्योंकि पानी में बहुत ही जल्दी बैक्टीरिया हो जाते हैं, ब्लू कलर की काई सी जम जाती है, जिसकी वजह से प्लांट ख़राब होने के चांस रहते हैं। लेकिन आप इसे पानी में भी सेव करके रख सकते हो। मिट्टी, वन पार्ट मिट्टी लेनी है, वन पार्ट सैंड लेना है, वन पार्ट आपको गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, ये दोनों का ऑप्शन रहता है। आपके पास कोई भी टाइम पर है तो आप एक भी ले सकते हो, और दोनों हैं तो दोनों भी आप अपने मिट्टी में तैयार करके लगा सकते हो। इस तरीके से इसकी बेस्ट मिट्टी तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हो जहाँ पर इसके नोड एरिया होते हैं वहीं पर इसकी जड़ें निकली होती हैं जगह जगह, तो जिनकी वजह से इस प्लांट को ग्रो करना बहुत ही आसान हो जाता है। ऊपर की साइड से ग्रीन कलर की इसकी पत्तियाँ रहती हैं, नीचे की साइड से पर्पल कलर की रहती हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। इस प्लांट को ज़्यादातर से हैंगिंग पॉट में लगाया जाता है, क्योंकि इसके स्टेम्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ फैलते हैं, तो ये प्लांट सुंदर लगता है। इसे आप धूप में भी रख सकते हो, छाया में भी रख सकते हो, आधा एक घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पर भी रख सकते हो। ये गर्मी के लिए, सर्दी के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है प्लांट, और बहुत ही कम केयर इसको चाहिए होती है। अगर आप इसमें एक महीने में भी एक बार खाद डालोगे तो भी ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है। बस आपको इसके प्लांट के ऊपर अच्छे से स्प्रे करके पानी डालते रहना है, ताकि इसकी पत्तियाँ साफ़ रहें और जो जगह जगह से इसकी जड़ें निकली रहती हैं उन्हें मॉइस्चर मिलता रहे टाइम टाइम पर। बस इसके अलावा फ्रेंड्स, ये आपको नर्सरी में ओनली 40 से 50 रुपीज़ का मिल जाता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, पत्तियों के कलर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आप इसे नॉर्मल पॉट में भी ग्रो कर सकते हो, हैंगिंग पॉट में भी ग्रो कर सकते हो, और कॉर्नर प्लांट के लिए भी आप इसे तैयार कर सकते हो। जैसे कि कॉर्नर, जैसे कि बड़े पॉट होते हैं उसमें हमारा बड़ा प्लांट ऊपर की साइड चलता रहता है, और नीचे की साइड जो जगह रह जाती है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा रह जाता है, पॉट खाली अच्छा नहीं लगता, तो आप ऊपर की साइड एक एयर लेयरिंग की तरह इस प्लांट को फैला दोगे तो ये वहाँ पर भी फैलकर बहुत ही सुंदर सा प्लांट दिखने लगता है। तो आप इसे कॉर्नर के लिए भी तैयार कर सकते हो, डेकोरेट के पर्पस से भी रख सकते हो, और अपने गार्डन को सुंदर भी इसी से बना सकते हो। कटिंग आपको इसकी किस तरीके से लगानी है, तो देखिए हमें अपने प्लांट में से कई सारी कटिंग ले लेनी है, क्योंकि ये जनवरी का महीना ऐसा होता है कि इसमें जो हमारे मेन प्लांट होते हैं उसमें जड़ों की तरफ जो पत्तियाँ होती हैं, पुरानी पत्तियाँ, वो बहुत ही जल्दी इसकी ब्राउन हो जाती हैं सिर्फ सर्दी में। गर्मी में ये प्लांट बहुत बढ़िया हरा भरा रह के चलता है। तो हमें क्या करना है, ऊपर के टॉप से इसकी बहुत सारी कटिंग ले लेनी है। आप जितना मर्जी चाहो कटिंग ले सकते हो, क्योंकि ये प्लांट कटिंग से बहुत ही ईजी से तैयार हो जाता है। तो मैंने देखी इसकी काफ़ी सारी कटिंग ले लेनी है। या तो आप इन कटिंग को पानी में भी रख सकते हो, या फिर आप इन्हें मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हो। इसके खाद की अगर बात करें तो देखिए, मैं इसमें बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ। मैं क्या करती हूँ, महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट लेकर पानी में घोलती हूँ, और सिर्फ
उसे एक दिन के लिए पानी में घुलने के लिए रख देती हूँ और नेक्स्ट डे अपने प्लांट की जड़ों में डाल देती हूँ। उसी से मेरे प्लांट को बहुत अच्छी नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाती है, जिससे ये हरा भरा रहता है और पत्तियों में भी शाइनिंग रहती है। पत्तियों में शाइनिंग खाद की वजह से भी रहती है, और दूसरा, जब हम पत्तियों पर पानी स्प्रे करके डालते हैं तो डस्ट नहीं बैठती है। डस्ट बैठने से क्या होता है कि पत्तियों के पोर्स बंद हो जाते हैं, और जब हम पानी डालते हैं, स्प्रे करते हैं, तो वो सभी पोर्स ओपन होते हैं और पत्तियां साफ रहती हैं, फंगस नहीं लगती हैं, कोई बीमारी नहीं पनपती है प्लांट में। इसलिए मैं अपनी ज़्यादातर से सभी वीडियो में बोलती हूँ कि आप हमेशा प्लांट के ऊपर स्प्रे करके ही पानी डाला करिए। तो मिट्टी में देखिए, हमें इसकी कटिंग लगानी है। हमने यहाँ पर मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट सिर्फ लिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिया है। और सिंपल आपको कटिंग ले लेनी है और 1 से 1.5 इंच मिट्टी के अंदर सीधा ऐसे प्रेस कर देना है। इसके लिए आपको कोई एलोवेरा जेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, रूटिंग हार्मोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लगाने की ज़रूरत। ये ऐसे ही नॉर्मल सिर्फ 1 वीक में ही आपको लग जाएगा कि आपकी कटिंग अच्छे से सक्सेसफुल हो गई है। सिर्फ करना क्या है, कटिंग लगाने के बाद आपको इसे धूप में नहीं रखना है, ऐसी जगह रखना है जहां पर इसे सुबह की सिर्फ 1.5 घंटे की धूप मिल जाए, उससे ज़्यादा धूप नहीं मिले। और कटिंग आप जब भी लगा रहे हो तो सूखी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए, मिट्टी आपकी गीली रहनी चाहिए। गीली मिट्टी में, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो गीली मिट्टी में ये बहुत ही जल्दी से अंदर की साइड प्रेस हो जाती हैं। और नीचे की तरफ ब्रांच पर अगर कोई पत्ती है तो आपको उसे भी कट कर देना है, क्योंकि पत्तियों से क्या होता है, कई बार मिट्टी में लग जाने से फंगस लग जाती है और हमारे प्लांट धीरे धीरे ख़राब होने लग जाते हैं। तो आपको नीचे की साइड से पत्ती उतार कर ब्रांच को नॉर्मल मिट्टी में प्रेस कर देना है अच्छे से। पानी जब भी डालें स्प्रे करके डालें, और टेम्परेचर बिल्कुल बढ़िया बनाकर रखें, ना तो मिट्टी को बहुत ज़्यादा सूखी होने दें और ना ही बिल्कुल किचड़ टाइप बना रखने दें। अगर ज़्यादा गीला करोगे तो ब्रांच जो है नीचे की साइड से गल जाएंगी, और सूखा रखोगे तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, कटिंग आपकी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसकी कटिंग भी इजी से ग्रो कर सकते हो। एक पॉट में ही बहुत सारी कटिंग लगा दीजिए ताकि प्लांट आपका अच्छे से भर के चल सके। खाद मैंने आपको बता दिया है, पानी सावरिंग करके डालना है, और सनलाइट का भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ये प्लांट आपको कहीं पर भी अगर कटिंग मिले तो आप वहीं से इसकी कटिंग ला सकते हो, क्योंकि ये कटिंग से इजी तैयार कर जाता है। मिट्टी के पॉट में लगाओगे तो ज़्यादा अच्छे से आपके प्लांट ग्रो होते हैं, अगर प्लास्टिक के पॉट में लगाते हो तो उसमें जल्दी से मिट्टी नहीं सूख पाती है, पानी उसमें गीला बना रहता है, जिसकी वजह से प्लांट की जड़ें जो होती हैं वो नीचे की साइड से गलने लग जाती हैं धीरे धीरे, और प्लांट आपका मर जाता है। तो इसका एक कारण ये भी होता है कि आप पानी ज़्यादा डालते हो। अगर प्लास्टिक के पॉट में प्लांट लगा हुआ है तो आपको उसमें पानी कम डालना है, 1 वीक में भी आप एक बार पानी डाल सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।